सो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। आज मैं आपको दिखाऊंगा यामाहा MT-15 की जो मॉडिफिकेशन दिखावट वाला आ गया है, बहुत ही जबरदस्त की कनेक्टिविटी है। और आप देख सकते हो, आप लाइट बंद होने के बाद और इसको जिस ऑल ओवर सारा रेड, यहाँ भी रेड, यहाँ भी रेड, यहाँ भी रेड, तो ये इसको एक अलग अट्रैक्टिव चीज़ देखने को मिल जाती है। हैंड गार्ड, और हैंड गार्ड अभी तक आपने देखे होंगे, नॉर्मल लाइट वाले देखे होंगे, लेकिन आपने इस तरीके का कॉन्सेप्ट नहीं। गिरता है तो आपके क्लच और लीवर डैमेज नहीं होते, और वैसे भी जो क्लच और लीवर हैं इसके चेंज हैं, एडजस्टेबल वाले हैं। यहाँ देख सकते हो आप, सेटअप पूरा यहाँ से ही फोल्ड हो जाता है कुछ इस तरीके से। ये जब होता है तो कलर इसमें काफ़ी सारे मिल जाते हैं, आप देख सकते हो। जैसे इसको चाबी ऑन करोगे तो 2-4-5 कलर ये ऑन करते ही। बॉक्स लाइटर इसका बेसिकली यूज़ होता है, जो सस्पेंशन होते हैं इसको डैमेज नहीं होने देता। ये जो है ब्लू कलर की, तो आप देख सकते हो यहाँ पर है इस मेरे हाथ में रिमोट कंट्रोल। पहले फ़ोन से कनेक्ट होता था तो वो भी था, वो भी ऑप्शन है, बट अपने पास ये रिमोट ऑटोमेटिकली जितने भी कलर हैं इसके वगैरह, ये अपने आप जो है आपको पार्ट्स हैं इसके, इस जगह पर देख सकते हो मेटल के। यहाँ पर MT-15 के, R15 के भी मिल जाएंगे आपको सबके। तो यहाँ पर जो MT-15, और ये पूरी असेंबली है, देखो गाइस, शार्प पावर इस पर लिखा हुआ है। और ये मैं गियर लीवर हो गया पूरा, यहाँ से देख सकते हो, और ये पूरा सेटअप है। हेलो एवरीवन, आई होप डूइंग एब्सोल्युटली फाइन गाइस। मैं हूँ कोस्ट आपका दोस्त, मैं ले आपके लिए कौन वीडियो, कौन टॉपिक। मेरा नाम सिकंदर और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल SKD बाइक। तो स्टार्टिंग आप लोगों ने देख लिया, आज के सिनेरियो में टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है लेजेंड पर यामाहा MT-15। और यामाहा MT-15 पर काफ़ी सारी वीडियो बन चुकी हैं, जिस तरीके का भी आप सोचोगे ना मॉडिफिकेशन से रिलेटेड, वो वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है अपने चैनल पर SKD बाइक वर्ल्ड पर गाइस। और बाकी आज की जो वीडियो भी काफ़ी यूनिक है, काफ़ी रेयर है। इसमें ज़्यादातर जो काम किया गया वो किया गया है पावर पार्ट्स पर, पावर पार्ट्स का इसमें मॉडिफिकेशन की गई है, जो कि लिया गया कॉन्सेप्ट ब्लू कलर का। अगर आप लोग चाहे किसी और कलर का भी ले सकते हो। इसके अलावा जो है इसमें, जैसे कि बॉडी DRL हो गए, जिससे पहले DRL आते थे वो आते थे फ़ोन वाले, तो उसमें थोड़ी सी कंप्लेंट आ रही थी क्योंकि वो फ़ोन से कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। तो इस बार क्या करा है, इस बार इसमें जो है वो रिमोट से कंट्रोल करने वाला जो है सिस्टम लगा दिया, जो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से वो काम करता है। कितनी भी दूर से आप इसको ऐसे करके हो ना तो वो वर्क करता है। इस अलावा काफ़ी सारी चीज़ और भी, जैसे कि हैंड गार्ड हो गया, हैंड गार्ड के अंदर भी कलरफुल लाइट अभी तक आपने देखी थी व्हाइट लाइट और इंडिकेटर पर ऑरेंज लाइट, बट इसमें और भी काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो देरी ना करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सब्सक्राइब भी कर दो क्योंकि आपको भाई आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स एंड वीडियो लाते रहते हैं। I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on their fake shit, I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant, I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put. So दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। आज मैं आपको दिखाऊंगा यामाहा MT-15 की जो मॉडिफिकेशन दिखाता हूं, वो तो है ही इसमें, उसमें भी काफी अलग है, बट आज जो नहीं होगी वो होगी पावर पार्ट्स, जो कि आपको वहां दिख रहे होंगे। बट स्टार्ट करेंगे फ्रंट से। तो जैसे हम इसका इग्निशन ऑन करेंगे, यहाँ पर आपको काफ़ी अट्रैक्टिव चीज़ देखने को मिल जाती है, हैंड गार्ड। और हैंड गार्ड अभी तक आपने देखे होंगे, नॉर्मल लाइट वाले देखे होंगे, लेकिन आपने इस तरीके का कॉन्सेप्ट नहीं देखा होगा, जिसमें कलर भी चेंज हो रहा है। ये देखो, ये देख सकते हो। बाकी इस चीज़ को आप चाहो तो रिमोट से भी जो है कंट्रोल कर सकते हो, बट मैं आपको नॉर्मली दिखा रहा हूँ ताकि कम टाइम में आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सको। तो ये हो गया, और इसमें आपको इंडिकेटर के ऑप्शन, जैसे कि मैंने बताया, आपको मिल जाता है। ये देखो, और दूर से कुछ इस तरीके का, जैसे ही आप इसका ये ऑफ करोगे इंडिकेटर, फिर ये अपने इसमें आ जाएगा। देखो गाइस, और ये हैंड गार्ड जो है बागबस्टर के हैं, क्लैंप्स की देख सकते हो, प्रॉपर मेटल की है। यहाँ पर रॉड आ रही है पूरी, इनकेस कहीं बाइक गिरता है तो आपके क्लच और लीवर डैमेज नहीं होते, और वैसे भी जो क्लच और लीवर है इसके चेंज हैं, एडजस्टेबल वाले हैं। यहाँ देख सकते हो आप, सेटअप पूरा यहाँ से ही फोल्ड हो जाता है कुछ इस तरीके से। ये जब होता है जैसे बाइक गिरती है, बट यहाँ पर इन्होंने हैंड गार्ड लगा रखा तो कोई टेंशन है नहीं, और यहाँ से भी आप इसको स्विच करके एडजस्ट कर सकते हो। तो ये इसका कुछ इस तरीके से लुक आ रहा है। बाकी अगर आप देखो तो ये कुछ ये वाला इसमें लुक है। इसके अलावा यहाँ पर वाइजर है, और वाइजर जो है ये MT-15 का ही है मेटल में। यहाँ पर बॉडी DRL है, इसमें भी काफ़ी सारे कलर हो जाते हैं। आप लोग मेरी वीडियो देखते रहते हो, पता होगा आप लोगों को, तो कलर इसमें काफ़ी सारे मिल जाते हैं, आप देख सकते हो। जैसे इसको चाबी ऑन करोगे तो 2-4-5 कलर ये ऑन करते ही आपको प्रोवाइड कराएगा कुछ इस तरीके से। बाकी आप चाहो तो अपने फ़ोन से या रिमोट से भी इसको कर सकते हो, दोनों तरीके का आते हैं, रिमोट वाला भी आता है, फ़ोन वाला भी आता है, तो जो आपको इजी लगे वो। LED बल्ब का फोकस देख सकते हो आप, ये तो है ही, साथ में LED बल्ब, और हैजार्ड सेटअप लगा रखा है। सेटअप यानी कि LED बल्ब और जो हैजार्ड की मशीन आती है पूरी, वो इसे हैजार्ड सिस्टम कहते हैं। तो इस स्विच को लेफ्ट राइट पीछे प्रेस करते हो तो इसके जो हैजार्ड है एक्टिवेट हो जाते हैं कुछ इस तरीके से। लग तो काफ़ी गदर रही है वैसे बाइक,
और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बॉडी DRL के अलावा भी काफ़ी सारी मॉडिफिकेशन है। जैसे कि अगर यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ तो फोर्क स्लाइडर, इसका बेसिकली यूज़ होता है जो सस्पेंशन होते हैं इसको डैमेज नहीं होने देता। ये जो है ब्लू कलर के लिए गए क्योंकि ये अलॉय से मैच कर दिए, आप गोल्डन अगर लेते तो ये आपके सस्पेंशन से मैच हो जाता। लुक देख सकते हो उसकी आप कैसी आ रही है। और ये ड्यूअल साइड होता है, इस साइड भी है और ये इस साइड भी है। और MT15 की ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पर भी। अगेन मोबाइल होल्डर है सिमटेक का। और ये स्विच जो है ये DRL का, इसको जब आप चाहो ऑफ भी कर सकते हो फिर नॉर्मल हो जाएगा। बाकी इसकी की पे भी जो है CNC कवर लगा रखा है, काफ़ी टाइम पहले लगाया था भैया ने। और यहाँ पर स्लाइडर देख सकते हो, काफ़ी लोग क्रैश गार्ड लगवाते हैं इस तरीके के, ये क्रैश गार्ड इसका। बाकी यहाँ पर स्लाइडर लगा रखा है और इसके भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग है। अब मन जो स्लाइडर आते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और इनके कई बाइक गिरती है तो ये सब चीज़ें जो है डैमेज नहीं होती, आपका टैंक और आपका इंजन और आपके लेग्स। और यहाँ पर भी देखो गाइस, अब जैसे चाप जो आप पर कौन करोगे ना, ये देख सकते हो आप, तो ये पूरा सेटअप होता है यहाँ का और यहाँ का। तो ये जब भी आप इसको जो है चाबी को ऑन ऑफ करोगे तो कर सकते हो, अदरवाइज आप चाहो तो उसको जो है फ़ोन से या रिमोट से भी जैसे मैंने आपको बताया वो कंट्रोल कर सकते हो। इसकी अलग से वीडियो बना रखी डिटेल में काफ़ी सारी। अब बात कर लेते हैं पावर पार्ट्स की, तो ये पावर पार्ट्स हैं इसके, इस जगह पे देख सकते हो मेटल के। यहाँ पर MT15 के R15 के भी मिल जाएंगे आपको सबके, तो यहाँ पर जो MT15 लिखा हुआ है इसकी जगह पर R15 लिखा हुआ होगा। और काफ़ी ज़्यादा जो है एक डिसेंट सा लुक दे देते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पूरा सेटअप देखो उसका, तो ब्रेक लीवर हो गया, फुट रेस्ट हो गया और ये पूरी असेंबली है। देखो गाइस शार्क पावर इस पर लिखा हुआ है। और यहाँ पर ये ऑयल का कैप है जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। कलरिंग वगैरह आप जो अगेन चाहो कर सकते हो, ये ब्लू कॉन्सेप्ट पे काफ़ी अच्छी लग रही है। और दूर से देखोगे तो ये वाला लुक आ रहा है, रोबोटिकल लुक आ रहा है इसके। और इस साइड से भी सेम है, गियर लीवर हो गया पूरा यहाँ से देख सकते हो, और ये पूरा सेटअप है। और यहाँ पर देखो गाइस ये देखो, तो ये कुछ इस तरीके से लुक आएगा इसका इस साइड से। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन ये लुक काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर देती है। बाकी अगर बैक साइड से देखोगे तो यहाँ पर टॉप रैक लगा हुआ है और इस पर आप टॉप बॉक्स लगा सकते हो। बाकी इसका सैडल स्टे वगैरह ही मिल जाएगा, LED बल्ब लगा रखे हैं। और हाँ मडगार्ड, और यहाँ पर फुल मडगार्ड है जो मिट्टी वगैरह इस जगह पर होल्ड हो जाती है ना इस तरीके से, तो अभी लगाने के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है गाइस। ऑल ओवर सब कुछ मैंने दिखाई दिया, बाकी बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी है मेरे चैनल पर, इसकी आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर रेडिएटर गार्ड भी लगा हुआ है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर है इस मेरे हाथ में रिमोट कंट्रोल। पहले फ़ोन से कनेक्ट होता था तो वो भी था, वो भी ऑप्शन है, बट अपने पास ये रिमोट वाला आ गया है। बहुत ही ज़बरदस्त की कनेक्टिविटी है। और आप देख सकते हो आप लाइट बंद होने के बाद, और इसको जिस तरह से TV को कंट्रोल करते हो ना अपने, दूर से कर सकते हो। देखो काफ़ी सारे मोड्स हैं इसमें, जब आप इसको देखोगे ना डिटेल में तो आपको पता चल जाएगा। इसको बंद भी कर सकते हो, चालू भी कर सकते हो, जिस हिसाब से चाहो उस हिसाब से आप सेट कर सकते हो। अभी रेड कलर का देखो, बिल्कुल डेविल लुक आ रहा है इसका, और ऑल ओवर सारा रेड, यहाँ भी रेड, यहाँ भी रेड, यहाँ भी रेड, तो ये इसको एक अलग लेवल पे लेके चला जाता है इसकी लुक्स को। बाकी आप चाहो तो डबल कलर ले सकते हो, देखो यहाँ पर डबल कलर आ गया, ये रेड अलग है और ये ब्लू अलग है, पूरा भी सिंगल कर सकते हो आप। और इसमें एक मोड ऐसा है जो ऑटोमेटिकली जो है वो चेंज होता रहता है। अब ये ऐसा मोड है, इसमें ज़रूरत नहीं है आपको बार बार जो है कलर चेंज करने की, ऑटोमेटिकली जितने भी कलर हैं इसके वगैरह ये अपने आप जो है आपको चेंज करता रहेगा। ये देखो भाई बहुत ज़बरदस्त है भाई। और अगर आप लोग चाहते हो इस तरीके का काम MT के अलावा किसी और बाइक्स में कराना है जिसमें लाइक DRL वगैरह है, थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा लेकिन वो काम ईजिली हो जाएगा आपका। ये देखो भाई, अब ये रात में देखो सिर्फ लाइट बंद की है मैंने, तो इतनी इसमें जो है गजब का लुक आ रहा है। और अगर ये प्रॉपर रात में आप चलाओगे तो भाई अलग ही लेवल का। बाकी इसको मैं अगर लाइट जलाऊँ तो ये कुछ इस तरह तब भी विजिबल ऐसा नहीं है, ये देख सकते हो आप। अभी आपने मॉडिफिकेशन देखी है यहाँ MT15 की, अगर इसके अलावा अगर आप लोगों के पास कोई और बाइक है लाइक R15 है, R15 का कोई मॉडल है, सब पर मिल जाएंगे इस तरीके की मॉडिफिकेशन। और ये बॉडी जो है DRL है जिसे आपने रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल कर सकते हो, ये किसी बाइक पर लगा सकते हो। थोड़ा सा टाइम है और थोड़ी सी टेक्निक होती है लगाने की, तो वो सब कुल मिला के ये कि लग जाएगा। और क्या लगा अच्छा कमेंट करके जरूर बताओ। पर्टिकुलर किसी पार्ट का प्राइस पता करना है सिंपली स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सअप मारो, कॉल कर सकते हो व्हाट्सअप पर, डेली के नए वाले तो करोल बाग नए वाला मार्केट वाले तो SKD पर। तो ये था आज की वीडियो, मैंने तो आपसे विदा, मैं मिलता हूँ फिर किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तक के लिए टिल देन गुड बाय, जय हिंद जय भारत दोस्तों।